जरा के समझा के वे दिल हर थां तेरा डुल जांदा थोड़ा जरा के समझा के वे दिल हर थां तेरा डुल जांदा शिवजी भोला भाला मेरा शिवजी भोला भाला मेरा शंकर डमरू वाला ओ मेरा शंकर डमरू वाला मेरा शिवजी भोला भाला मेरा शंकर डमरू वाला मेरा शिवजी भोला भाला। नमस्कार, मैं पूनम स्पीड निच में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम उस फनकार से बात करेंगे जिन्हें पंजाब का सोनू निगम तो कहा जाता है, मगर इनकी सुरीली आवाज जो है वो लोगों को दिल तक पहुंचती है। मैं बात कर रही हूँ फिरोज खान की। सर, सबसे पहले तो स्पीड नेशन चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। स्पीड नेशन चैनल दे जिन्हें भी टीम इतने आई है सब दा फिरोज खान वालों तुहाडे अपने भरा वालों बहुत बहुत वेलकम है। इतने पठानकोट के हमेशा मैं प्यार मिलता है और मैं इतने आके बड़ी खुशी प्राउड फील होता है कि मेरे प्यार करने वाले मेरे चाहने वाले पठानकोट के बहुत बैठे। काफी बार पठानकोट में आपका आना हुआ है, कैसा लगता है आपको जब आप दोबारा यहाँ पर आते हैं, कैसा फीलिंग कैसी आती है? हर बार पहले से ज्यादा अच्छा लगता है हर बार। सबसे पहले इंटरव्यू करने से पहले सर हम बात करेंगे किसानी मुद्दे को लेकर कि बहुत ज्यादा है किसानी मुद्दा और संघर्ष पे किसान बैठे अपनी मांगों को लेकर। कई सिंगर्स भी उनके पक्ष में गए हैं वहाँ पर, तो क्या कहना सबसे पहले किसानी मुद्दे को लेकर? सभी लोग समर्थन कर रहे हैं जी, जो सच है वो सच ही है। अगर ये कानून काले हैं जी, लोकतंत्र है तो ये वापस होने चाहिए। ये लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र नहीं हैगा तो फिर अभी कह सकते हैं कि भी तानाशाही हो सकती है ना। कई पंजाबी सिंगर्स है वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं मगर अभी तक ये कानून वापस नहीं हुए। क्या लगता है आपको कि किसानों का संघर्ष है वो कितनी देर चल सकता है? हर जगह देखे तो वही प्रोटेस्ट पे है वो। पूनम जी, मैं बोलूँगा कि सरकार को फिर आपके लिए दिखानी चाहिए। अगर लोगों के लिए लोगों के नाल लोगों वास्ते सरकार है तो लोगों वास्ते काम करना चाहिए, अपने वास्ते भी काम करना चाहिए। सो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर अज वो किसानों लिए कुछ अच्छा करते हैं तो कल उन्होंने ही फ्यूचर बनाए करेगा, अगली बार फिर जितेंगे। अगर नहीं खड़ते तो फिर उन्होंने ही प्रॉब्लम आ जाएगी। मेरे ख्याल सोचना चाहिए उन्होंने हमेशा, जिहड़ी सरकार है उन्होंने वोटों की लोड़ होंगी है। वोटा कि नहीं पानी, अज तीन स्टेट बहुत बुरी तरह उन्होंने खिलाफ हो गए, अगर होर दो चार स्टेटा इदा उन्होंने खिलाफ हो गई तो फिर काम खराब हो जाएगा। अज इन्नी वड्डी वधिया सत्ता दे विच बैठी हुई है सरकार, इन्ने पास्यों जित के बैठी हुई है, तो यह फराक के लिए दिखानी चाहिए, वड्डा दिल उन्होंने दिखाना चाहिए। अब हम बात करेंगे फिरोज खान की। फिरोज खान जो है नाम है जिनको पंजाब का सोनू निगम भी कही जाता है, कई ऐसे सूफी गाने या ऐसे सॉफ्ट हार्टेड गाने जो है आपकी ओर से गाए गए, क्या कहना है आपको लोगों को जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं? मेरे को कुछ नहीं कहना, मैं तो लोगों का और भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर वाहिगुरु का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने कुछ मेरे से अलग करवाया है और मेरे को अलग बनाया है थोड़ा सा। वैसे तो मैं हूँ तो इंसान ही आप जैसा ही हूँ सब जैसा, लेकिन ये जो मेरे को वोकल कॉर्ड अच्छे देखे जिससे मेरी एक अलग पहचान हो गई है, सो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा का, मुझे लगाता है। सर, कहीं आपने एक गाने जो है वो ज़्यादातर आपने सॉफ्ट हार्टेड गाए हैं या कहते हैं कि रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं, मगर आज की जनरेशन जो है
आज हम ये पूछ लगते हैं कि आज की जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा तड़कते फड़कते गाने सुनना पसंद करती है, लोगों को डांस चाहिए, लोगों को वो सॉफ्टनेस नहीं चाहिए, लोगों को वो सूफियत नहीं चाहिए। मेरे गानों में सब कुछ मिलता है, मैंने गाने सारे हर तरह के गाने गाए हैं, जैसे सोनी दिल नहीं लगता तेरे बिना, मेरा बड़ा अच्छा वर्ल्ड वाइड गाना चला है, पानी दिया छल्ला सॉफ्ट था, सैड भी थे, सूफी भी हैं और डांसिंग गाने भी हैं, मेरे बंद बोतले गिद्दे दे विच फुल फुल जाने बड़ा सुपर हिट हुआ था मेरा गाना, और भी बहुत सारे गाने अभी आ रहे हैं, अभी मेरा लेटेस्ट गाना रिलीज हुआ है दिल दी रानी, इसके अलावा फिर डिवोशनल में मेरा शंकर डमरू वाला बहुत अच्छा चल रहा है, और शुक्रिया अदा है सबका जो मुझे नवाजते हैं, जो प्यार देते हैं, इनकी बदौलत है सब। पहचान आपको प्यार मोहब्बत वाले गानों से मिली है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा उमरा दी सांझ हो गई यार तेरे नाल, पानी दिया छल्ला हो गया, तेरे बिना दिन मेरे साह नहीं लेंदे, मेरे हत्थां दी लगदियां तो तेरा नाम नहीं मिट सकता, बहुत प्यारे प्यारे गीत जिहड़े जैदे भाजी ने मेरी झोली पाए, बाबू मान जी के लिखे हुए गीत, कुलवंत जी के लिखे हुए गीत और कुमार साहब के लिखे हुए गीत मैं गाए ने, ते पंजाबी फिल्मों के जिमी शेरगिल जी का मैं बड़ा धन्यवाद करता कि उन्होंने काफ़ी फिल्मों के मेरी प्लेबैक जी वोकल हैगी उन्होंने मेरे तो लई है, सो सब नू सलाम है मेरा, सारे जुड़े बसते रहन जी, काम करते रहन, इन फ्यूचर बहुत अच्छे अच्छे गीत मैं तुम्हें। आज की जनरेशन को क्या कहना है सर आपको, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं कि शॉर्टकट करो और हम ऊपर पहुंच जाएंगे, और कई स्ट्रगल में बिलीव करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल शॉर्टकट का इसमें कोई रास्ता नहीं है, ये जो है ना संगीत शॉर्टकट, बहुत सारे लोग हैं जिनका चल जाता है वो तो कह देते हैं हमको शॉर्टकट हो गया ना, अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर रोते देखे हुए हैं मैंने, वो भी शॉर्टकट अपना सकते हैं, लेकिन भगवान की जितनी देर मर्जी नहीं होती ना, हजारों में लाखों में एक ही आगे आता है बस। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर आज के जो सिंगर्स हैं वो कुछ ऐसे गाने गा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं रहा, सिर्फ डांस कर लो या कुछ ऐसा गाना गा लो जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि जैसे पहले गाने होते थे वो मीनिंगफुल गाने होते थे, लोगों को दिलों तक पहुंचते थे, क्या कहना है इन लोगों का, सिंगिंग के बारे क्या कहना है? मैं इनके लिए कुछ नहीं बोलूंगा, भला हुआ उनका भी सबका, बस इतना ही है कि भाई अच्छे गाने गाओ तो आपका भी फ्यूचर ब्राइट रहे और लॉन्ग टर्म आपकी हो, अच्छी सेहत देने वाले गाने हो, या जैसा हमारा सभ्याचार है वैसा वैसा गाओ, ऐसा मत गाओ जो है नहीं है, डांग छोटे वाले, लड़ाई वाले, जो बंदूकों वाले, आप उनकी बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप भी तो बोल ही सकते हो उनके बारे में, बोला करो, हम तो बोलते हैं नहीं उनका भी भला हो, मैं उनके लिए कुछ खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा बड़ा भाई या छोटा भाई होने के नाते कि भाई अच्छे गाने गाओ, अच्छे गानों से ही जिंदगी पूरी खूबसूरत रहती है, आपको भी आपके भी जमीन पे कोई बोझ नहीं होगा, सुनने वालों को भी कोई अच्छी सीख नहीं। उमरा दी सांझ होवे यार तेरे नाल, बस मैनू इना ही प्यार तेरे नाल, उमरा दी सांझ होवे यार तेरे नाल। अच्छा।